वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने बनाना तो नहीं था, मैं काम में बिजी था। काम करते करते मुझे याद आया, आपको दिखाता हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं, शुरू करते हैं यहीं से। सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 7। तो नीचे चलते हैं फार्म पे, हम नीचे काम कर रहे थे। तो आज मैं आपको बताता हूँ जो पिछड़े जिस टायर पे बनते हैं वो टायर हम कैसे लगाते हैं। मैं वही लगा रहा था, चलो आपको दिखाता हूँ। आज मैंने सिखाया आपको टायर लगाना, तो आप ये तो इनका हो गया बांधने का टाइम। तो ये अब सारा खा के फिनिश करके खड़े में, अब हम इनको बांधते हैं। चलो बैक। तो सिंस कुछ ऐसे हैं कि इसी के तो पैसे हैं, मतलब ये है कि अंदर की जगह हमने खाली कर दी है और बाहर इसलिए बांधे कि ये रात में अंदर होते हैं, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए अंदर ही ना करते हैं, एक दूसरे के साथ मिला मिला के बांधे, ताकि इनके खुद की हद से भी इनको थोड़ी सर्दी ना लगे। और दिन हो गया है, मतलब अभी टाइम हो रहा है 8, उस वक्त 7 बज रहे थे, अब हो रहे 8, 1 घंटा हो गया। अब इन सबको बांध दिया, अब सूरज निकल रहा है, धूप वूप आएगी, इन सबको धूप रहेगी। दिन में ये बाहर होते हैं, रात में ये अंदर होते हैं। तो अब दिन में बाहर है तो अंदर की अब थोड़ी बहुत सफाई करनी है, तो चलो सफाई करते हैं। तो ये काम भी हमारा हो गया खत्म, बस करना ये था मिट्टी को ना थोड़ा खुरेद खुरेद के देना था, जैसे कि हमें इंसान है ना, हम जमीन पे बैठते हैं, जमीन सख्त होती है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और बेड पे बैठते हैं, बेड नरम होता है, बस इनके लिए बेड तैयार कर रहा था। मिट्टी खुरेद की तो मिट्टी हो जाती है बहुत ज्यादा नरम, मुलायम से मेरे पैर रखते हैं इनको मजा आता है। देखिए मिट्टी खुरेद की दे दी, देखिए मजे से चिल कर रहा बैठा हुआ बॉय सुकून से। तो मिलते हैं अब आगे। तो भाड़े का काम तो खत्म हो गया, तो बस यहाँ का काम बिल्कुल खत्म। सूरज अभी तक निकला नहीं, 8:30 हो रही है, निकलना शुरू हो रहा है। तो आज के मैं आपको बछड़ा दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने पहले से अलग करके खड़ा कर दिया था, तो चलाने वाला कोई है नहीं यार, वरना दिखाता। माशाल्लाह से आप चीज़ देख सकते हैं, पूरा गुलाबी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, 2 दांत होने वाला है, बकरा इतना हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से आप चीज़ देख सकते हैं, अल्लाह की कुदरत है, बस बहुत ही प्यारी चीज़ है। गुलाबी है नोज़, आप चेक कर सकते हैं इसकी नाक, गुलाबी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जिस जिसको पसंद आए मेरे से नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, उसके बारे में आगे पूछ सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका नीचे तल पूरा गुलाबी है। ये गुलाबी नस्ल में कहलाता है, एक आँख ब्लैक है और एक आँख वाइट है माशाल्लाह। तो बस आज का यही बछड़ा था। तो अब हम आगे व्लॉग शुरू करते हैं, तो अब जाएंगे घर पर, नाश्ता वाश्ता करेंगे, तो चलो चलते हैं। तो जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये सारा माल वहीं कराची आएगा 2023 की कुर्बानी के लिए। तो ये जो सब माल तैयार है, हम लोग जिस ब्लॉग में मंडी में बैठेंगे मैं आपको बता दूंगा, आप आके वहाँ से ये सारा माल खरीदारी कर सकते हैं जो आपको पसंद है। भले ये भी गुलाबी जो मैंने अभी आपको दिखाया है, माशाल्लाह से चीज़ तो सारी अच्छी हैं, आप खुद भी देख सकते हैं माशाल्लाह से, जो आपको पसंद है आप देख सकते हैं ले सकते हैं। ये सारा माल कराची के लिए तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा माल है, देख सकते हैं आप सब, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। तो चलो मिलते हैं। तो हम आ गए थे रूम में, हमने मतलब
कपड़े चेंज कर लिए थे तो अब नाश्ता करने जा रहे थे, लेकिन एक और काम याद आ गया, बछड़ों को दूध पिलाना है। हाँ, हम लोग दूध भी पिलाते हैं। मेन मतलब हमारे जो हमें लगता है ना कि ये हमें मतलब सही मतलब ये पल जाएंगे हमसे वगैरह वगैरह, फिर उनको हम दूध पिलाते हैं। तो अब हो गया दूध का टाइम, नीचे जाते हैं उनको दूध पिलाते हैं। तो चलो आज देखो हम बछड़ों को दूध कैसे पिलाते हैं। चलो चलते हैं। हमने दूध वूध भी पिला लिया, ये काम भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं वापस घर, नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम है, अब नाश्ता वगैरह करते हैं। इनको भी पिला दिया, रॉकी हमारी डॉगी भी पी रही है, और बस यही थे दो तीन बछड़े जिनको पिलाना था। और अब चलते हैं ऊपर, नाश्ता वगैरह करते हैं और आगे का देखते हैं क्या सीन है। तो दूध वगैरह हमने पिला दिया था, हम आ गए थे ऊपर, थोड़ा सा दूध हमने अपने लिए बचा लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत बचा लिया, आधा एक किलो होगा, क्योंकि मुझे भी पीना होता है यार, मेरा भी दिल करता है दूध पीने का, भाई यही दूध आता है जिसको पीना है इधर से उठा लो, सही। तो मैंने अपना दूध उठा लिया और निकालेंगे दूध, और सबसे पहले नाश्ता करेंगे। दूध तो मैं पीता हूँ रात में, रात के लिए निकाल लेता हूँ अभी से, तो फ्रिज में रख दूँगा पतीली में निकाल के, इसको मैं रखता हूँ फ्रिज में। तो ज़रा एक मिनट सबर। नाश्ता करने तो आप हूं सानू करन दो थोड़ा जे नाश्ता, रोटी पानी सवेरे कने मोबाइल चाह के वद्दे आए थे, थोड़ा नाश्ता भी तो करन दो यार, सुबह से व्लॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा नाश्ता वैसे करेंगे तो ताकत आएगी। तो भाई ने तैयार है, बोले चलो चलो चलो, हमने कहा चलो चलते हैं नाश्ता करने। तो चलो नाश्ता करने चलते हैं। सर हमने काम वगैरह कर लिया था, नाश्ता करने गया था, उसके बाद अभी टाइम मिला वीडियो बनाने का, हमने शीशा भी लगवा लिया, हमने नाश्ता भी कर लिया, बीच में बहुत काम आ गया था। अब हम आ गए थे नीचे फार्म पे, तो फार्म पे आए तो बछड़े ने ना मगर टायर ही जड़ से निकाल दिया, वापस लगा रहा हूँ। सुबह मैंने गोबर का टायर लगाया था, ये वाला टायर लगा हुआ था बछड़े ने, जोर जो हमारा निकल गया जमीन से। आज का व्लॉग हम यही करने जा रहे हैं एंड, नीचे हमने काम वगैरह कर लिया था फार्म पे, और हमने जो शीशा आपको देख रहा होगा, शीशा हमने बोला था शीशा लगवाएंगे, तो आज हमने
पूरा अपनी हाइट जितना हाइट से बल्कि थोड़ा सा ऊपर शीशा लगवा लिया। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो आज फिर बछड़ा दिखाया था, जिस जिसको भी पसंद आता है हमें हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम में इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।